सुकून से लेटा हुआ है यार। हाँ भाई ढोलू, फुल चिल सीन चल रहा है तुम्हारा है? अभी तुम्हारा लेवल किस्म का वंडा बनाएंगे हम, टेंशन ना लो। बाय द वे यार, आ गया, दिस इज कॉल्ड कराची का गड्ढा। पता कैसे चलेगा कि आप कराची में गाड़ी चला रहे हो? Assalamualaikum, this is Saad Karim once again। यार ढोलू भोलू को सुबह आपके भाई ने 10 बजे चारा दे दिया था, और आपको पता है कि यार रोजा होता है तो रोजों में उठना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। खैर यार अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने चारा वगैरह खा लिया है। ये देखो भाई, ये बस थोड़ा सा छोड़ा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये भी खत्म कर देंगे। बाय द वे मैंने इनको पानी नहीं रखा, तो अभी इनको पानी रखते हैं और उसके बाद यार मार्केट चलते हैं। मुझे बेसिकली बाजार जाना है काम से, मम्मा को लेकर आ गया हूँ बाजार। बाय द वे यार ये लिखा हुआ है जिंदगी का सवाल। क्या सवाल है यार जिंदगी का बेसिकली यार यही सवाल है कि बस एंजॉय करो, घूमो फिरो, पैसा कमाओ, अपने घर वालों को खुश रखो, अपने माँ बाप को लाखों रुपए कमा के लाके दो, खुद भी एंजॉय करो, दूसरों को भी एंजॉय करवाओ, यही जिंदगी का सवाल है। गाइस यहाँ पर तो बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार, यहाँ पर गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बाय द वे मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये है शाफेसल का एक नंबर, तो यहाँ पर बाजार वगैरह लगते हैं तो इसी वजह से यार ये जाम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो खैर यार अभी आपका भाई गाड़ी निकाल रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, बिल्कुल अपनी गाड़ी को बचाते हुए, और ये ब्रेक मारा आपके भाई ने, अब जाने दो। बाय द वे बाइक वाला आ गया तो इससे ज़्यादा मेरी गाड़ी अब नहीं चल सकती, अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी हम अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। वैसे अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया है बेसिकली 4:30। अब मम्मा को बेसिकली मैं लेकर आया हूँ यार एक नंबर, तो यहाँ से मामा ने बेसिकली थोड़ा सा यार सामान लेना है तो वो लेगी मम्मा, और उसके बाद फिर हम वापसी घर जाएंगे। बाय द वे यार अभी जो धूप हो रही है बड़े लेवल किस्म की हो रही है, और दूसरी बात ये है कि यार मतलब यहाँ पर ना लोगों को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा है यार, मतलब कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लड़ रहे हैं आपस में, बट यार ये गलत है, आप लोग थोड़ा सब्र करो यार, 2 घंटे बाद तो अफ्तारी हो जाएगी, तो अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो, और ये क्या सब्सक्राइब कर दो। ढोलू भोलू का जो बाय द वे चारा छोड़ के गया था देख लो यार, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारा साफ कर दिया। बाय द वे पानी वगैरह भी देखो इन्होंने पूरा पी लिया, ये देखो भाई ढोलू ने नहीं पिया लेकिन भोलू ने पूरा पानी पी लिया है। असर की अजान हो गई, अभी नमाज वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अफ्तार करेंगे, फिर चलेंगे जिम। चलो भाई वापस चलेंगे भाग भाग के नीचे, से खोलेंगे वापस गाड़ी का लॉक और निकालेंगे गड्डी, क्योंकि यार पापा के काम से जाना है और वैसे ही लेट हो गया हूँ, क्योंकि यार अभी आधे घंटे बाद अफ्तारी है तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, अब गाड़ी बेसिकली भगाएंगे। अरे अरे भाई, अरे अरे बाइक वाले भाई साहब, बाइक वाले भाई साहब, अरे रावी दरिया वाले भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ यार, जो रावी है ना रावी रावी चैम्बर, ये अगर मुझे थोड़ा सा रास्ता दे देना तो मैं अपनी गाड़ी आराम से भगा लूँ, लेकिन ये मुझे रास्ता नहीं दे रहा तो रास्ता बनाना पड़ेगा, और ये हम बनाएंगे ऐसे करके रास्ता आराम आराम से हम। अरे 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 भाई, ये थोड़ा सा इनको हारन देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी रास्ता नहीं दिया। खैर अब ऐसे ऐसा करके पोजीशन बना रहे हैं हम, लेकिन फिर भी इन्होंने रास्ता नहीं दिया, इन्होंने फिर अब गाड़ी ट्रैक पर कर ली आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से जाने दे। अरे भाई साहब आराम से रे आराम से भाई, ओंग 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 गाड़ी, अरे मैं क्यों मुंह से आवाज़ निकाल लो, ये मारा आपके भाई ने खूबसूरत तरीके से एक प्यारा सा मुख्तसर सा कट, लेकिन इसमें आपका भाई फुल कामयाब हो गया। और फिर आपके भाई ने ऊपर से जावी वाली की गाड़ी ली, तो आगे आ जाते हैं बाइक वाले भाई साहब थोड़ी सी जगह मिलेगी। अरे ये क्या रोटी छोटी लेके जा रहा है, मुझे लग रहा है ये भी जानवर के लिए रोटी छोटी लेने जा रहा है। खैर यार जाने दो। और अभी हम थोड़ी सी दूर हैं मंजिल से। अरे भाई साहब, अरे 125 वाले भाई साहब हट जाओ भाई, हम जा रहे हैं भगाते हुए। और ये आ गया, दिस इज कॉल्ड कराची का गड्ढा। पता कैसे चलेगा कि आप कराची में गाड़ी चला रहे हो? खैर यार आप गाड़ी मंडते हैं वापसी और आपको मिलता हूँ मैं लोकेशन पे। और ये फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं भाई लोकेशन पे, और गड्डी लगाएंगे हम थे। तो भाई गड्डी शड्डी आपके भाई ने यहाँ पर लगाई हुई है। बाय द वे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, भाई अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करें, अभी इनके वर्कर्स वगैरह वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ तो वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर, घर पे खुलेंगे अवतार। लेवल किस्म का सब्सक्राइब कर देना। बस डन 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 सारा काम कर लिया है। बाय द वे एनर्जी चेक करो तुम अपने भाई की, देखो इतनी खुशी कि अवतार होने वाला है और उसकी खुशी में आपके भाई की एनर्जी लेवल किस्म की। बाय द वे रोड वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो गाड़ी खींचते हैं आराम से। अरे भैया अबे यार ये जो खड्डे आ जाते हैं इसकी वजह से एक्सीलेटर मैंने ना तोड़ना पड़ता है। देखो गाड़ी आपको भाई प्यार से दबाएगा और ये निकालेगा, देखो इतनी लेवल किस्म की ड्राइविंग है आपकी भाई की। 2 hours later आज जो वर्कआउट करेंगे हम करेंगे बाइसेप ट्राइसेप का, आज मेरा शोल्डर का मूड हो नहीं रहा तो वर्कआउट स्टार्ट करता। अब आपको भाई लगा है वाइड एंगल रॉड तो लगाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, आज का जो मेरा पार्टनर था
वो ये था बाय द वे, ये जो लास्ट जो एक्सरसाइज कर रहा है यार, एक दफा आप लोग भी परफॉर्म करना, जब आपकी बाइसेप की सारी एक्सरसाइज हो जाए तो लास्ट में ये डबल हैंड डंबल लगाना। ओए होए होए क्या रच के आप लोगों को मजा आएगा बाइसेप करने में, यकीन करो। एक दफा मेले बोलने पे ट्राई कर लेना। अगर आपको ठंडा पीने का दिल करे और अजमेरी की लस्सी हो, ओए होए होए, तो उसका लेवल ही अलग है। तो आपका भाई आया फरहान के साथ, बेसिकली फरहान ये रहा, तो ट्राई करते हैं वापसी अजमेरी की लस्सी, जो कि इसका लेवल बड़ा ही आला किस्म का है। क्या आ गई है अजमेरी की लस्सी बाय द वे यार, इसके अंदर नीचे होती है रबड़ी, ऊपर होती है दही की मलाई। तो भाई एक दफ़ा आके ट्राई कर लेना, बड़े लेवल किस्म की है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ढोलू को देखो कैसे आराम से सकून से लेटा हुआ है यार। हाँ भाई ढोलू, फुल चिल सीन चल रहा है तुम्हारा, है अभी तुम्हारा लेवल किस्म का वंडा बनाएंगे हम, टेंशन ना लो। बाय द वे यार, ये किसी ने फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं यार, बट लेकिन इन्होंने ये खाए नहीं हैं। हाँ भाई क्या हो गया यार, ये देखो लेटा हुआ कैसे यार, ये मतलब इतना कोई चिल होके लेटा हुआ यार ये ढोलू। सही है आराम फरमा भाई तू। यार ये देखो ढोलू ने सारा चारा पता नहीं क्या करा हुआ है, गिरा दिया भाई। खैर ये अभी बैठ रहा है, और यार अभी बेसिकली सहरी का टाइम हो रहा, तो मैं भी इनका चारा भिगोने आया हूँ, तो इनका चारा भिगोते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर। पानी भी नहीं पिया यार मैंने, पानी पीना भी जल्दी से ऊपर जाके। खैर यार अजान हो गई, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर देना।